बड़ी लबड़ रही है। शाम का बच्चा मिल गया, देख पा रहे आप ये। मैं स्वीट रमणी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज तो संडे, सुबह फजर की नमाज अदा कैसे हो गया था, अभी उठा हूँ, अभी टाइम भी 9 का हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। फिर मुझे चलना नजोरिक से गांव से भी जाना है, फिलहाल कहीं गांव भी जाना मुझे, तो फिर आप पहले तो फटाफट होते हैं फ्रेश, फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। तो आप तब तक अगर जहाँ मेरे चैनल पर हो नहीं, वीडियो को तो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हे मैं स्वीट रमणी, अभी बज चुके हैं 9:30, फिलहाल नहा तो चुका हूँ मैं, फ्रेश हो रही है, लेकिन कपड़े जो है सारे धोए हुए, क्योंकि कल आज संडे था तो कपड़े सारे धो दिए। फिर हम करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर तब हमारे कपड़े सूख भी जाएंगे, तो फिर हम तैयार होके फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। फिर करते हैं पहले ब्रेकफास्ट, तो फिर मिलते हैं। है सबस चाय लेकिन मीठी है आज, तो साथ में दही की कड़ी, मज़ा ही आ जाएगा आज ब्रेकफास्ट में। फिलहाल गाइस तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, चलते हैं बाहर। अब दोपहर हो चुकी है, दुकान खुली हुई है, मौसम आज गड़बड़ से यार, अच्छी धूप में भी नहीं है। ब्रेकफास्ट हो चुका है तो कपड़े धोए थे, वो भी अब निकाल दिए हैं, अब चलते हैं डाले सूखने के लिए धूप में। फिर वहाँ गार्डन एरिया, लेमन का पेड़ है, ये कपड़े मेरे लगता है सूख गए ये वाले, चलो गा के यही जाने आज मुझे। फिर बाकी कपड़े डाल दिए सूखने के लिए, साग डाल दिए इधर हमने, देसी जुगाड़ है ये। फिर हाँ लहसुन मारा घर का जो निकाला हमने, काला हमने अभी डाल दी सूखने के लिए इसको हमने। अभी प्याज निकालने के लिए है, लहसुन तो निकाल दिया लेकिन प्याज अभी निकालने के लिए। फिर तो अंदर हम आ गए हैं, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, गड मौसम भी एकदम अजीब सा है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी भी फील हो रही है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। फिलहाल अभी होते हैं तैयार फटाफट, फिर निकलना रजौरी के लिए, तो होते हैं तैयार, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और थोड़ा सामान ले लिया व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि बैटरी वगैरह ले ली, माइक वगैरह सब ले, जैसे हमारी फैमिली बढ़ेगी तो इंशाल्लाह फिर हम कैमरा ले लेंगे। तो फिलहाल चलते हैं हम, अब रेडी हो चुके हैं रजौरी के लिए। तो फिलहाल मैंने डाला है कारकोट ट्रोज़र, डाल दिया आज कारकोट ट्रोज़र, साथ में टी शर्ट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो फिलहाल निकलते हैं, पहले निकलते हैं गाड़ी को, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फिलहाल निकलते हैं घर से हम, आज मोटो व्लॉग नहीं हुआ क्योंकि यार मेरे पास हेलमेट ये वाला ना, हेलमेट ये वाला है, तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो गाइस फाइनली हम रजौरी पहुँच चुके हैं, अभी जा रहे हैं वहाँ दोस्त पानी के घर, क्यों वहाँ से मिलेंगे यार, मिलेंगे तो उनसे जाना नहीं, कहीं काम पे आज हम जा रहे हैं रियाज मामू से कहीं काम पे, तो चलते हैं पहले अंदर, वहीं मिलते हैं रियाज मामू से। तो हम पहुँच गए हैं फानी के घर। फानी क्या कर रहे हो अभी? हम मीट पका रहे हैं। मीट पका रहे हो आप? ये देखो मम्मा ने अभी बड़ी लबड़ रही है। कहाँ से रही है? बहुत काम से। तो सलाम भी करती है ना, अभी शाम करो। हेलो, क्या हाल चाल है? ये कहाँ से मिले? तो ये हमारे रियाज मामू चाय पी रहे हैं अभी, मस्त चाय चल रही है। कपड़े धो रहे अभी पहुंचते हैं, मतलब पानी आ गया है, यहाँ से हमारे बाइक राइड करेंगे रियाज मामू, वो ही निकालेंगे बाइक। तो रियाज मामू बाइक हमने निकाल दी है, यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पहुँचे हम, लेकिन इतनी धूप है बाइक, आज लू चल रही, दोनों हेलमेट मेरे पास ही हैं, रियाज मामू लगा रहे हैं बाइक साइड पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज जैसे जम्मू का एहसास हो रहा है, वैसे पर यहाँ जोरी में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो गाइस फिलहाल यहाँ फारा हो चुके हैं, यहाँ पे हम गर्मी बहुत ज़्यादा लगी आज, बड़ी गर्मी आज। सो गाइस फाइनली हम अंदर पहुंच चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगी है, सुबह निकल गई है, हेलमेट भी थे बट लू फिर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रही थी। फिलहाल अंदर पहुंच चुके हैं हम, बाहर निकाल दिए रहो आगे, फिलहाल हम चलते हैं अंदर, करते हैं खाना, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, फिर नमाज अदा करनी है। सो माई स्वीट फैमिली, अभी हम यहाँ पे हैं, तो अभी बाइक लगा दी साइड पर पार्क की हमने, तो यहाँ से जाएंगे हम त्याज भाई गाड़ी पर। सो गाइस हमारा प्लान बना, अभी जाना हमने नगरोटा दरगाह पर, तो वहीं जाते हैं हम, काफ़ी टाइम से नहीं गए थे, तो काफ़ी सलान बना के चलते वहीं पे, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, अच्छे वाइब्स भी आते हैं वहाँ पे, तो चलते ही वहीं पे, तो वहीं दिखाते हैं आपको थोड़ा सा प्यारा सा व्यू दरगाह का।
shaking underneath, trying to take me alive. वहाँ पे जा रहे हैं घूमने के लिए, देखते हैं मस्त व्यू पॉइंट है वहाँ की, प्यारी बहुत जगह है यहाँ पे। तो ये रहा मेडिकल कॉलेज हमारा, इसका मेडिकल के बिल्कुल अपोजिट हम आए हैं पलमा वाली साइड। यहाँ रुके हम सिर्फ व्यू को एंजॉय करने के लिए, काफ़ी प्यारा व्यू है इस वक्त। एक तो मेडिकल कॉलेज तो बहुत ही बढ़िया व्यू है, मेरा व्यू इस वक्त हमारा। ये बोल रहे हैं हम तो हमला में पहुंच गए। तो मेडिकल कॉलेज मेरे पीछे बिल्कुल ठीक देख पा रहे हो, काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है। अभी मौसम भी ख़राब है लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हवा चल रही है। दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी बट अभी जो है नॉर्मल मौसम। तो गाइस फाइनली हम फिर आ चुके हैं फन बर्ड्स में, तो आज मैं हूं प्यार भाई है, तो आज से भाई हमारे अलग हो चुके हैं। आज हमसे डिसाइड कर रहे हैं क्या घुमाना क्या नहीं, देखते उसके बाद पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है या कुछ करना है। सो गाइस फाइनली हमने ऑर्डर किया, हमने आज ऑर्डर किया फन पनीर। हाँ, हमने ऑर्डर दे दिया फन पनीर पिज़्ज़ा का, तो बैठे वेट कर रहे हैं कब आएगा, फिर करते हैं ट्राई। फिर मस्त हवा चल रही है, दिन को गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो अभी थोड़ा राहत मिल रही है। सो गाइस फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है रेडी, तो अब करते हैं इसका स्वागत। सो गाइस फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, तो अब करते हैं ट्राई। पहली बार ट्राई कर रहे हैं फन बैट्स का, तो काफ़ी टाइम के बाद चंडीगढ़ खाया था, जम्मू खाया था, उसके बाद यहाँ खा रहे हैं और जोरी में पहले फर्स्ट टाइम है, तो करते हैं ट्राई। बढ़िया है। तो गाइस फाइनली पिज़्ज़ा पहुंच गया, तो नहीं करते हैं गाड़ी के लिए, सुनी करते हैं हम सबको इकट्ठा कर ले ताकि वो वेस्ट ना हो। चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से, हम तो अभी टाइम हो चुका है 8:10, काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो निकलते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपको जाके मिलते हैं। सो गाइस फाइनली पहुंची खेवरा, अब मैं इम्तियाज़ भाई के चेक लेने के लिए हम करें गाड़ी में वेट। अब गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही गाड़ी में, हवा चल रही मस्त लेकिन गर्मी है भी। सो गाइस अभी हम रुके हैं पकौड़े लेने के लिए, मूड बन गया पकौड़े खाने का, चल पकौड़े ले लेते हैं अभी यहाँ से हम। गाइस फाइनली हमारे पकौड़े आ चुके हैं, भैया ने गर्म करके दिए हैं, तो चलते हैं अब, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो निकलते हैं हम यहाँ से फटाफट। गाइस फाइनली पहुंच गए, आसिफ भाई बोलेंगे फाइनली गाइस हम अंदर पहुंचे हैं, लेकिन अभी अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, डर भी लग रहा है कहीं कोई शाम शाम ना हो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस हमें शाम का बच्चा मिल गया, देख पा रहे आप, ये शाम का बच्चा मिला रास्ते में, अभी हम जा रहे थे शाम का बच्चा मिला, ये देखो ये शाम से शाम मिला है सच में सर, ये इसको निकालते हैं साइड पे। हे वाइस मीटर फैमिली, तो अभी हो चुके 11:30, अभी घर पहुँचा हूँ मैं, तो वहाँ से चला गया इम्तियाज़ भाई घर, तो रास्ते में शाम मिला बाय गॉड, शाम का बच्चा था गाँव में आ गया, तो फिर उसको मैं साइड पे रख दिया, मैंने कहीं से निकल जाएगा आराम से कहीं पे। वहाँ से हम फिर चले गए इम्तियाज़ भाई घर, तो वहीं किया डिनर हमने, तो फिर वापस में चला अपने घर क्योंकि मुझे घर में काम था कुछ भी, आगे घर पहुँच गया मैं। फिलहाल दिन गए थे हम नगरोटा दरगाह पे, तो कुछ बाद फिर हम फाइन बाइट्स में मूड बन गया सबका कि चलते पिज़्ज़ा खाते हैं, तो पिज़्ज़ा खाया फिर, तो उसके बाद फिर जब वापस आए तो फिर जाने से मूड बना ही पकौड़े खाएंगे, तो फिर पकौड़े लिए थे तो पकौड़े इंजॉय किए। अब डिनर का पकौड़े का वीडियो नहीं बता पाया क्योंकि लाइट का बहुत बड़ा सीन होता है यहाँ पे, लाइट 2 मिनट की लाती है तो फिर चल जाती आती नहीं है, ज़रा सी हवा चली लाइट भाग जाती है। तो फिर घर पहुँच चुका हूँ अभी, बाहर बहुत हवा चल रही है, पर फिर से लाइट कहीं भाग ना जाए, तो चाहिए ब्लॉग को करते हैं एंड। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।